ये कहानी है पिता और पुत्र की। इसमें एक पिता अपने पुत्र को एक विशाल साम्राज्य सौंपना चाहता है। चलिए क्लियर करते हैं। ये एक साम्राज्य है, ठीक है। इसमें ए के पुत्र है, बी सी डी ई एफ डॉट डॉट मतलब पुत्र है, ठीक है। ऐसे ही कुछ समय के बाद, जैसे कहते हैं ना जीवन मिशन, और अच्छे जैसे राज चल रहा है उस हिसाब से, एक दिन मतलब विचार आया है उनके उनमें कि अब जो है अपने राज्य को, मतलब जो इसमें योग्य है ना, इस राज्य को मतलब अच्छे से चलाने के लिए उसको सौंपा जाए। ये जब सोच रहे तो फिर कुछ नहीं, ये सब अपना अपना कहते ना जो भी काम होता है वो कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे, ठीक है। एक युवा होता है ना, हम तो वैसे ही गए थे ये मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे चिंतन करने के आए थे, कहते हैं परमात्मा का चिंतन कर रहे थे भवन के, ठीक है। तो उसी समय जो एक होता है ना ऐसे ही, तो अपने मंत्रीगण जैसे रख देते हैं ना, एक मंत्रीगण से मतलब कह रहे हैं कि ऐसे राज्य के बारे में ये, तो मंत्री ने बताया कि महाराज कहीं हम गए थे, पूरा सुनना है, सब क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए तो योग्यता जाननी होगी कि कौन है आपके पुत्रों में से, इतने पुत्रों में से जो इस साम्राज्य को चला पाए। तो कहा ठीक है, तो इसके लिए कहा इन सब के गुरु, कहते हैं इन सब के गुरु के पास हमें ले चलो, ठीक है। तो जैसे ही गुरु के पास आए, यहाँ पे गुरु के पास जब आए ए, तो ए ने कहा कि ऐसे ऐसे जो इसमें योग्य होंगे उसको, कि कहते ना सलाह मशवरा जो होता है मांगता है, तो कि इसमें से योग्य कौन है। तो कहा ऐसा करते हैं आप खुद ही परीक्षा ले लीजिए। कहा ठीक है। तो इन सबको यहाँ बुलाया गया, बी सी डी ई एफ डॉट डॉट को यहाँ बुलाया गया, ठीक है, बुलाया गया। अब कहा ध्यान से सुनिए, और ए भी आ गए यहाँ, ठीक है, ये यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना है, सब क्लियर हो जाएगा। बी सी डी ई एफ जितने भी थे पुत्र, ठीक है, और भी जो लोग थे इसमें से, ठीक है, के एल एवन कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, और भी थे उन सब की। तो कहा इसमें से योग्य कौन है, ठीक है। तो कहा सबको, कहा सभी को कि जैसे शिक्षा देता है ना, शिक्षा दिए हुए रहता है जो, कहा सब ना कुछ बीज, मतलब ऐसे कुछ बीज यहाँ पे, कहा कुछ बीज लेके आओ, ये बीज का भंडार था, ये भंडार समझो बीज का, किसी भी चीज का, ठीक है, ये बीज का भंडार था, ठीक है। कहा इसमें से जिसको जितना बीज लेना है ले आओ, ठीक है, एक टेस्ट चल रहा है, एक एग्जाम होगा, ठीक है, ध्यान से। तो सभी ने, अब ये तो देख रहा है, एक को तो मतलब अब देखना है, और यहाँ पे बहुत सारे कहते हैं ना P1 P2 पब्लिक तल्लीक P3 डॉट और बहुत सारे, सभी सब देख रहे थे ये, मतलब कहते हैं ना कि हाँ। तो बी ने कहते हैं ना एक मुट्ठी बीज ली, ध्यान से समझना है, सब क्लियर हो जाएगा। सी ने क्या किया, एक थैली भर के बीज ले आए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक थैली भर के बीज ले आए, मतलब बीज का भंडार, ठीक है। किसी ने 2 मुट्ठी, किसी ने 10 मुट्ठी, और एफ ने, ध्यान सुनिए, एफ ने ये ना एक बाल्टी ले आए, बड़ी बाल्टी में, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इसमें बीज ले आए एफ, ठीक है, और सबसे कम ले आए बी, सबसे कम बी,
ठीक है, तो हम ऐसे सजा देते हैं सब उसके लिए हो जाएगा। ये सबसे कम से एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये, तीन नंबर पे ये, चार नंबर पे ये, पांच नंबर पे ये, इसमें सबसे कम ये, ठीक है, और जैसे कहें सबसे ज्यादा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ही सब लाए भी। अब कहा ध्यान, मतलब पेरेंट्स से तो इनके बात हो ही चुके थे कौन योग्य है, और इन सब में से भी सब लाए, तो मतलब सबसे यहाँ पे मैक्सिमम हाई इतना ही था, मतलब ठीक है, बाकी ये सब दो एक तीन ऐसे करके दो एक मैक्सिमम ये, ठीक है। अब कहा ठीक है, ध्यान से कहा, सभी को, सभी को कहा सिर्फ एक घड़ा पानी दिया जाएगा, ठीक है, सभी को बोला एक घड़ा पानी दिया जाएगा। ध्यान से जो घड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। सभी को कहा एक घड़ा पानी मिलेगा, ध्यान से सुनना है, सबको, सबको दिया एक घड़ा पानी, इसको भी एक घड़ा, 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 इसको भी, सभी को एक घड़ा पानी दिया। अब कहा, ध्यान से, अब कहा तुम सबके पास जितने भी बीज है, ठीक है, उस सबको मतलब लगाना है, ठीक है, और इसी घरे में जो जितना भी पानी है इसी का उपयोग करना है, अब तुम्हें नहीं मिलेगा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसी घरे से मतलब इस घरे में जो पानी जितना है उसी से तुम्हें इसे, जैसे बीज से पौधा बनता है ना, तो कितना तुम अच्छा करते हो। तो अब आया कहानी में ट्विस्ट। अब कहा भाई साहब ये सोच रहे हैं, भाई मेरे पास तो ये ठीक है एक मुट्ठी है, इस पानी में कैसे यूज करूँगा, ये कह रहा है मेरे पास दो मुट्ठी है कैसे करूँगा, ये कहता है तीन मुट्ठी है, ये कहता है चार मुट्ठी है, ये कहता है कुछ दो मुट्ठी एक मुट्ठी, ऐसे ही करके सब। तो फिर कहा भाई अब चालू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अलग परीक्षा हो रहा है लेवल का। तो सबने क्या किया, सबसे पहले सभी ने अपना एक एक घड़ा पानी ले लिया, इसमें से कुछ ने सीधे कह दिया कि इसमें मुझे टाइम पास नहीं करना है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा, सरेंडर कर दिया, कहते हैं ना इसमें से जो और पब्लिक सब होते हैं, ठीक है, और इन सब का तो कहते हैं ना जैसे संस्कार शिक्षा और जैसे कहते हैं ना राज्य संभालने के लिए, तो उस हिसाब से रहता है ना कि मिल जाए, तो ऐसे ही हो रहा था कि कोई कोई इसमें से भी रहा, तो इसमें से भी रहा कोई कोई, ठीक है, बहुत सारे। तो अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं भाई कुछ जो है जैसे पानी है, कहा एक मुट्ठी में हमें एक घड़ा पानी है, ठीक है, एक मुट्ठी तो नहीं होगा, जो इतने घड़े के पानी में उपयोग हो सकता है, एक मुट्ठी जो भी था उसको उसने यहाँ पे कहते हैं बीज बो दिया, ठीक है, एक जगह रखा, ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। और इसने कहा हमें तो आधा बात मतलब आधे मतलब पानी में हो जाएगा सब काम, क्योंकि 15 दिन तक हमें चलाना है, या 10 दिन तक, या एक लिमिट तक समय तक, जब पौधा उग जाएगा तब तक ऐसे उसका निरंतर देखभाल के लिए। तो इसने क्या क्या कहा, एक घड़ा पानी है फिर भी याद आ जाता है, कड़ी धूप में जा रहा है, क्या किसी भी टाइम उठेंगे कभी भी इसमें डालेंगे, हमारा पानी तो है ही, कड़ी धूप में जा रहा है और वो उस बीज को रोप रहा है, मतलब बीज में पानी डाल रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। अब देख रहा है पानी तो खत्म हो रहा है, ठीक है, और ये प्रॉपर पौधा में तब्दील नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हुआ, कुछ समय बाद ऐसे ही, मतलब जैसे होता है ना 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन कहने का, क्योंकि उस समय आप ये मतलब इसका टाइम सही नहीं था, मतलब टाइम टेबल, क्योंकि जैसे होता है ना जो शिक्षा मिला था उसको वो उसके अनुरूप वो काम नहीं किए, जानते थे फिर लेकिन वो नहीं मानना नहीं है अपना, इतना है। तो दूसरा कहा मेरे पास भी एक है, मेरे पास दो मुट्ठी है, अब इतना तो करूंगा नहीं, तो उसने ये कहते ना कुछ बीज जो है रख लिया, कुछ बीज उसने भी डाल दिया और कुछ बीज फेंक दिया, कहते ना फेंक दिया क्योंकि होगा ही नहीं उतने घड़े पानी में, यही चीज कहा।
होगा ही नहीं। और ये क्या किया, ये भी वैसे ही, मतलब कहने का तात्पर्य थोड़ा सुबह में डाल के 4 दिन तक अच्छा किया, फिर इसके बाद कहा कि अब तो हो ही जाएगा, अब वो दोपहर में या किसी ऐसे टाइम में गया, और कहते हैं ना देख रेख ठीक से नहीं किया, ठीक है। तो इसका भी वही हाल हुआ कि ठीक है सब क्लियर हो जाएगा ध्यान से। इसी प्रकार तीसरा कहा भाई इस दोनों को नहीं हुआ, इस दोनों को नहीं हुआ, एक ही घड़ा पानी है, इसी को इतने दिन तक यूज करना है, कैसे करूँगा। तो अब कह रहा है अब क्या करूँ, तो इसने क्या किया, कहा इतना तो भी इससे तो काम नहीं होगा, तो थोड़ा सा जो है मतलब रख लिया, ये भी थोड़ा सा रख लिया, और इसने सुबह और शाम निरंतर पानी दिया, ठीक है। तो इसका ना जैसे होता है ना, लेकिन इसका जो है जैसे ये होता है ना बीज हुआ, इसका बीज जो है थोड़ा सा पौधा में तब्दील हुआ, ठीक है, अंतिम दिन में, ठीक है, मतलब लास्ट दिन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हुआ, ठीक है, बाकी तो फेंक दिया था, ठीक है, वेस्ट ऐसे। अब ये है एफ कह रहा है भाई, इसी तरह से सब सोच रहा है, पब्लिक सोच रहा है होगा क्या भाई, कुछ तो होगा, ये तो बड़ा मतलब कंडीशन है कि एक ही घड़ा पानी है, इसी में तुम्हें ये चीज़ करना है, और इस जिसके पास है अब ये देख रहा है कि देखो वेस्ट कैसे जा रहा है, फेंक रहा है सब इसे। अब इसने क्या किया, एफ ने कहा आपके पास तो थोड़ा सा मतलब आधे में हो जाएगा, ठीक है, अगर सही से काम करोगे तो आप उतना बीज लाए हो, एक मुट्ठी जिस जिसके पास था ना बीज उसके पास, तो आप सब ना हमें मतलब पानी दे दो, ठीक है, और आप जैसे मैं करता हूँ ऐसे करो। उस सब ने कहा, अब सब देख रहा है, उस सब ने कहा मैं क्यों दूंगा किसी को, मैं तुम्हें क्यों दूंगा, ऐसे ही कहा। लेकिन इन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, बहुत सारे थे, सभी को कहा, ध्यान से सुनिए। तो कुछ लोग जो कहते हैं ना, जो इनके मतलब लेवल सोच थिंकिंग मिलता है, तो उसने क्या किया, इसको जो है अपना आधा आधा जो है पानी वेस्टेज नहीं किया, और वो भी अपना निरंतर अच्छे से जितना ही था, एक मुट्ठी में आधा फेंको आधा थोड़ा मोरा लगाओ, यार मैं तो करूँगा ही नहीं तो मेरा पानी तुम ही ले लो, ठीक है। कोई कह रहा नहीं मैं क्यों दूंगा पानी, कोई कह रहा मैं क्यों दूंगा पानी, लेकिन किसी तरह कुछ जैसे कहता ना जैसे हाँ 2, 4, 5, 6 घड़ा मतलब 10 घड़ा पानी हो गया। अब इसने सारे बीज को बो दिया, ठीक है, और सभी में सुबह और शाम जिसमें जितना मात्रा होगा इसको तब तक मतलब इसी घड़ा से उतना ही बूंद मतलब उतना ही पानी देता कि जितना इसमें जरूरत है, जो शिक्षा तो सभी लिए थे। और इस तरह से क्या हुआ, जब इसका पूरा हुआ, अब इसी तरह से जब ये हुआ, अब यहाँ तो सब देख रहा है, तो कह रहा है कि अब एक को तो पता चल गया, कह रहा है देख लो सब अपने अपने कर्म से विमुख हो रहा है, बल्कि दूसरे को देना भी नहीं चाहता है, ठीक है, और वेस्ट कर रहा है अपना, ठीक है, फेंक रहा है हर चीज। लेकिन इसको देखो जितना ले आया है उसको ये इसने कोशिश किया। हाँ कहते हैं सभी से ना कि आप बात भी सुना उसके लिए लोगों से कि कोई क्या कहेगा फलना चिलना ऐसे करके, लेकिन कुछ नहीं ऐसा। तो इस तरह से तो कहा अब योग्य कौन है, तो पब्लिक देख रहा है कह रहा है योग्य तो भाई वास्तव में यही है जो सभी को लेके काम करता है, ठीक है, ये अनाज है इसको ये सुरक्षित भी रखा, और ये मतलब डिफरेंट अरे सबको क्या था, मुझे तो यहाँ से मिल ही जाएगा, सबका यही था, क्योंकि ये तो परीक्षा वैसे ही हिसाब से चल रहा था। अब इसके सोच वाले लोग इसको मान रहे, ये पब्लिक इसको कह रहे ये सही कह रहा है, ये पब्लिक सोच रहा था ये, अभी कहता है मुझे तो सब पता है, तो सब पता था तो पहले क्यों नहीं सोच में आया, ये कह रहा है कि नहीं अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं था, तो एक्सेप्ट करना सीखो, कहने का तत्पर ऐसे ही समझाया, तो मतलब यही सब समझाया। अब ये सी तो कहा परीक्षा तो समझ गए, तो कहा ये को पता चल गया, तो गुरुजी ने इशारा दिया, तो कहा हाँ,
क्या देखो ये सब अगर बनेगा भी ना, इनकेस अगर बन भी जाए, अगर कर भी ले कहने का तात्पर, तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एक दूसरे में ईर्ष्या से भरा हुआ है। ना इसको देंगे ना वो उससे लेंगे, ठीक है, और ना अपना कर्तव्य करेंगे अच्छे से, तो ये सब टिक नहीं पाएंगे और ये एक मजबूत बनाएंगे। जब ये सब जब सुनाया ऐसी कहानी, तो उसने कहा यही वास्तविकता है। तो अब कहा भाई टॉर्चर लेवल या कुछ भी होता है ना, जैसे कोई टॉर्चर करता है या कुछ भी करता है कि तुम इतना वो क्यों कर रहे हो, इतना देरी क्यों कर रहे हो, सब अपना अपना डिसीजन ले लिया, तो कहता है टाइम तो सेट है ना, उतना टाइम तो लगेगा ना, लेकिन उससे पहले टॉर्चर मत कीजिए। उसने कहा टॉर्चर मत कीजिए, एक होता है ना गुरु जी पास, क्योंकि सबसे लास्ट में दे या फर्स्ट में दे होता है ना कुछ चीज, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। तब तो ये चीज किया तो इसको ये कलेक्ट हो गया। तो ऐप को जैसे ऐप होता है ना कहने का तत्पर, ऐप जो है कहने का तत्पर, इसको कहा अब राजा मतलब कुछ, क्योंकि टिकेगा यही टिकेगा, ठीक है। और क्या है ना कि अब इसमें भी ये सब इसके हक को अगर छीन लेंगे जबरदस्ती, तो जबरदस्ती छीन लेंगे तो वही, जब ये जबरदस्ती छीनेंगे तो परमात्मा तो सब देख रहे हैं, तो परमात्मा ने वायमडिपोर समझ गए ना, यमदूत सबको भेज दिया, सभी बोझ है धरती पे, क्या उठा लो सबको, सब पापी है, सबका खेल खत्म होना चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब कहानी सुना रहे थे वायम डिफोर्स को, कहा मतलब ऐसे ही कहानी सुना रहे थे कि समझे कि जो नहीं होता है आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही मरेंगे, वो इसको ये इसको, जो जिसके लेवल के सोच है वो उस लेवल के काम करेंगे, ठीक है। जब ये सब कहा तो मतलब जो वास्तविकता है, जो सच पथ सत्य पथ पे अच्छा से रहने लग गए, ठीक है, वो सब अच्छे मतलब कहा हमारे राजा जो इसको फॉलो करते थे, तो हमारा राजा ऐसा होना चाहिए कहने का तत्पर, और वो सही होना चाहिए, और सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा। जो गलत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो फिर वायन फोर्स आपस में लड़के, ठीक है, खेल खत्म। तब ए ने आया और वही है इसको एफ को कहा उत्तराधिकारी जो होता है ना अपना साम्राज्य के लिए ये, और इसको कह दिया समझा दिया कि और इन्हें गुरु से और भी शिक्षा लीजिए ऐसे ही। अब इस मतलब लीजिए ऐसे ही समझा दिया, तो कहा ठीक है, अब इसको ये घोषित कर दिया, घोषित कर दिया तो ये कुछ समय है ना अच्छा से चलेगा, लेकिन इसमें इंटरफेयर जो भी एक्सेस करेगा तो दो ही चीज़ होगा, ये कुछ समय के बाद चित्रविधि जिसमें कहते हैं ना वायु निकलते ना तो हर जगह तांडव, ठीक है, ऐसे ही होने लगा। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है।